प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया। दिल्ली मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच 2021 के मध्य तक ड्राइवर रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की भी शुरुआत की। इसमें डेबिट कार्ड मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह काम कर सकेंगे। यात्री गेट पर उसे पंच करके यात्रा कर पाएंगे। पैसे यात्री के बैंक अकाउंट से कटेंगे और लोगों को मेट्रो का स्मार्ट कार्ड लेकर साथ चलने की जरूरत नहीं होगी। लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से अब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था। उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। ये आज से ड्राइवरलेस मेट्रो की अब शुरुआत हो गई है। और ड्राइवरलेस मेट्रो जो है वो कैसे काम करती है, क्या इसकी खूबियां हैं, क्या नए फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुलकित नाम। मेट्रो के जिस केबिन में अभी हम है वो ड्राइवरलेस केबिन है। इससे पहले इसी केबिन में ड्राइवर होता था जो आपको तमाम सुविधाएं मेट्रो के साथ चलाने के साथ देता था। वो क्या क्या थी ये भी समझाएंगे। सबसे पहले आप देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो देख लीजिए कि किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। यहाँ पर अगर आप ये डोर के बटन देखेंगे, पहले ड्राइवर इन बटनों के जरिए स्टेशन पर डोर को ओपन करता था, लेकिन ड्राइवरलेस मेट्रो में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होगा। ड्राइवरलेस में अपने आप ये डोर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद ओपन हो जाएंगे और साथ ही बहुत सारे सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं। कोशिश ये है कि ड्राइवरलेस मेट्रो के जरिए उस वक्त को बचाया जाए जो अभी तक वेस्ट होता था। मेट्रो ये मानती है कि सुबह के वक्त जब मेट्रो की शुरुआत होती थी, ऑपरेशन शुरू होता था, तो बहुत सारे तरीके से टाइम वेस्ट होता था, लेकिन अब वो टाइम बचेगा। यही वजह है कि मेजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दिखा के किया है। और अब इसके साथ जो बदलाव होंगे वो भी समझ लीजिए। स्टेशन पर डोर अपने आप ओपन होगा, पहले वो ड्राइवर के साथ होता था। इमरजेंसी बटन एक होता है जिसे आप दबाकर ड्राइवर से बात कर सकते थे अगर आपको कोई दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी बात सीधा कंट्रोल रूम में होगी। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये ड्राइवरलेस मेट्रो
एक पूरे सिस्टम के साथ चल रही है। बहुत सारे सेंसर लगाए गए, कैमरे के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कि कहां कहां मेट्रो इस समय है, और ये पूरा सिस्टम एक बनाया गया है ताकि नजर रखी जा सके हर दिक्कत पर, और साथ ही जो मेट्रो के अंदर सफर करेंगे अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो सीधा कंट्रोल रूम से उनकी बात भी इस मेट्रो में हो सकेगी। किसान आंदोलन के 33 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार के साथ कोई ठोस बात नहीं बन पाई है। आज दिन भर किसान आंदोलन में क्या कुछ हुआ उस पर डिटेल में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रिपोर्टर। सरकार और किसान संगठन फिर से एक साथ बातें करने वाले हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, क्या इस बातचीत से कोई हल निकलेगा या प्रदर्शन आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पंजाब के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर ये बताइए कि कल बड़ा अहम दिन है, किसान और किसान संगठन और जो भारतीय सरकार है वो एक साथ बातें करने वाली है, क्या आपको उम्मीद है कि कल इसका कुछ हल निकलेगा? हम गुरदास सिंह धालीवाल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पंजाब, जो 29 तारीख को मीटिंग होने जाने वाली है, हम आस रखते हैं क्योंकि किसान ठंड में पाले में मर रहे हैं, साढ़े 36 किसान और मातावां शहीद हो चुके हैं, इसलिए असं आस रखते हैं कि इस कोई हल निकले, पर मैं लगता नहीं ये भी मोदी साहब हल कड़ूगा क्योंकि वो ये कह रहा भी तुम सुझा सुधार करवा लो, पर नहीं जिहड़ियां साडियां जथेबंदियां वह इस रद्द करवाना चाहुंदियां, जिहड़ा एक पराली वाला बिल उसनों भी असं रद्द करवाना चाहते हैं, इसलिए असं एक ये भी मंग करते हैं भी असं मंग ही की रहे हैं सरकार को, असं तो यही मंग कर रहे हैं ना भी जिहड़ा MSP आ उसनों कानूनी दायरे में लिया जाए, जो भी MSP से कम किसान की फसल खरीदेगा उसे 420 का पर्चा कटा जाए और जो किसान को काटा पड़ेगा वो सरकार बोनस दे, यही तो अभी मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं, MSP तो पहले भी था, वो कहते रहेगा सी रहेगा नहीं कहना सी कहना होना चाहिए। किसान आंदोलन का 33वां दिन है, राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर 33वां दिन, आगे क्या रणनीति? कल सरकार से बातचीत होगी, बात करेंगे सरकार से, बहुत सारी उम्मीदें उन्हें। हाँ 29 तारीख को पूरे देश को उम्मीद है। हाँ। सुना कि जिसने आपको धमकी दी थी वो बिहार में पता नहीं चला अभी, पता तो चल रहा है, कह तो रहे थे यहाँ पर के साथ पकड़ लिया। एक सवाल सबके जहन में है कि 29 तारीख को क्या बात बनेगी? देखो पेंसिल लहू बैठी सरकार भी, वो नफी का निशान लगाना चाह ये घटत पर है, हम उसको जमा करेंगे 33 जमा 33, इतने दिन आंदोलन चलेगा, अगर सरकार एंडे बैंडे चलेगी तो हम उस जमा के निशान को तिरछा कर देंगे, फिर ये गुना में चला जाएगा, हमारे पे पूरे फार्मूले हैं, सरकार या तो ठीक ठाक अपना काम कर दे, ठीक है, वो एक डंडा खींचेगी हम दो खींचेंगे, वो दो पर नहीं बनेंगे हम उस डंडे को तिरछा कर देंगे तो गुना में चला जाएगा, तो 33 गुना 33 इतने दिन आंदोलन चलेगा। एक और सवाल ये है कि इस बार अगर कुछ भी जैसे बात कहीं किसी लेवल पर अटकती है तो आगे क्या? आगे का बता तो दिया, आगे का जमा जो ज्यादा इंडिपेंडेंट चलेगी तो उसका गुना। हाँ और क्या कुछ किसानों के बीच चल रहा है? आपकी दूसरे बॉर्डर पर भी बात हो रही होगी, क्या कुछ इस समय चल रहा है क्योंकि 29 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है जाहिर है वो वक्त भी बहुत इम्पोर्टेंट। परेड की ट्रायल करेंगे अब ट्रैक्टर पे, वो पहली तारीख से शुरू करेंगे, ट्रैक्टर चला करेंगे और जो जोन से ट्रैक्टर शामिल होंगे उनको ट्रैक्टर नंबर देंगे, उसका नाम लिखेंगे तो ट्रायल होगा, क्योंकि परेड की ट्रायल अगर वहाँ पे भी किसान पत्तों को ट्रैक्टर चलना है तो वो तो शाही उसमें को चलना है ट्रैक्टर, हाँ उनको पूरा ट्रायल देंगे, झंडे लगा के जाएंगे। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो ट्रैक्टर की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि 30 दिसंबर को यहाँ से एक ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला है, सभी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकलेगा अगर 29 तारीख को कोई समाधान नहीं निकलता है तो। तरह से ट्रैक्टर बढ़ रहे हैं साथ किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान पंजाब हरियाणा और यहाँ तक कि कर्नाटक तक के किसान भी इस आंदोलन में लगातार शामिल हो रहे हैं और आप नेशनल हाईवे 9 के नीचे वैशाली वाले रास्ते पर देखेंगे तो आपको लगातार भारी संख्या में ये ट्रैक्टर नजर आएंगे और जो किसान हैं उन्होंने किस तरह की व्यवस्था की है वो हम वहां पर आपको एक बार दिखाते हैं। इस तरह के जो टेंट्स हैं टेम्परेरी टेंट्स वो लगा
रहे हैं, किसानों को ना सताए। हालांकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि उनके लिए ये सर्दी कोई मायने नहीं रखती, सर्दी से उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल इस नए कृषि कानून को लेकर है और जो वो मांग कर रहे हैं। किसानों के बीच जरूर चलेंगे, एक बार हम लगातार किसानों से पूछ रहे हैं, ये बताइए जी 29वां दिन कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? ये तो सरकार जो बने जी हमारे लिए तो फैसला, अगर कोई बढ़िया आ गया तो अच्छा, नहीं तो मार्च है ट्रैक्टर में। 29 दिसंबर यानी 34वां दिन है, क्या कहेंगे उस दिन के लिए, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? सरकार के ऊपर है जी हमारी क्या उम्मीद है, जो सरकार करेगी वही किसान बात बनेगी, मुश्किल लग रहा बात बनेगी, उम्मीद है और अच्छी उम्मीद है बात बनेगी। तो सरकार के मुंह से अभी जो प्रवक्ताओं के मुंह से अभी नहीं लग रहा। किसानों की सरकार के साथ अब अगली बैठक 30 दिसंबर को 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ कल 29 दिसंबर को होने वाली बैठक अब परसों यानी कि 30 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर बन रही किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की रणनीति वहां पर तैयार की जा रही है। एमएसपी को कानून में शामिल करने को सरकार तैयार नहीं है, लेकिन किसानों की मांग यही है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी, ये अब तक जो सरकार की बातचीत है उसमें वो तस्वीर लगभग साफ हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि जो प्रावधान है उसमें कुछ संशोधन यानी कि कुछ तब्दीलियां करने को सरकार तैयार है, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार ऐसा अब तक नजर नहीं आ रहा। इधर कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा वो देखिए। करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसान के लिए, चौथी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसान के खाते में डालने का काम, और पांचवी तरफ नए कानून बनाना और कानूनों में बदलाव करना। ये सारे जो प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों का प्रतिफल साल दो साल में जब क्रियान्वयन के पश्चात धरती पर आएगा तो हमारा किसान भी सीना तान कर एक बड़े उद्योगपति की तरह खड़ा होगा और ये कह सकने में सक्षम होगा कि अगर उद्योग का जीडीपी में बड़ा योगदान है तो खेती और किसानी का भी देश के जीडीपी में बड़ा योगदान। ये रिकॉर्ड आज हो ये आवश्यकता समय की है, लेकिन इस प्रकार के कृषि सुधार हो, अभी कृषि चौधरी जी बता रहे थे एसी हॉल में किसानों की बैठक हुई थी और वर्षों पहले इस प्रकार के कानून बने और किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो इस बारे में विचार विमर्श हुआ था। लगातार आयोगों के द्वारा, लगातार मंत्रीगणों के द्वारा, लगातार मुख्यमंत्रियों के द्वारा, लगातार सरकारों के द्वारा यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि इस दिशा में काम हो। वहीं इस बीच किसानों के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक के लिए चलाई जाएगी। अब तक की 99 किसान रेल 14 राज्यों में चली हैं। कोरोना काल में कृषि उत्पादों की ढुलाई में राहत देने के लिए ये किसान रेल चलाई गई, जिसकी मदद से अब कृषि उत्पाद काफी आसानी से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है, यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है, जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी
वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। कार्यकर्ता वीर गति को प्राप्त हुए, कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक माहौल बनाया लोकतंत्र को कुचलने का, तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 8, 10 और 14 दिसंबर को जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें अपने कार्य के माध्यम से हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। इसलिए आज हम उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का इस मंच से आभार व्यक्त करते हैं। 11 प्रदेशों में बाय इलेक्शन का परिणाम आज आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। बिहार असेंबली के चुनाव का परिणाम मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। 8 स्थानीय निकाय के चुनाव का परिणाम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये चुनाव तब जीत इसमें संभव है जब जनता जनार्दन हमारे नेतृत्व पर विश्वास दिखाती है। और बार बार आज मैंने जब जनता को आभार व्यक्त किया कि विषम परिस्थितियां आई देश में कोविड की महामारी की वजह से, फिर भी जनता का ये विश्वास था कि इन विषम परिस्थितियों से अगर समाधान कोई दे सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बवाल एक कदम और आगे बढ़ गया है। मुस्लिम संगठनों के बाद अब हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून है, इसीलिए इसे देश में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। महामारी का वैक्सीन आने के पहले से ही इस वैक्सीन को लेकर के विवाद छिड़ गया है। क्या विवाद है इस वैक्सीन को लेकर के हम बात करेंगे सीधे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत चक्रपाणी जी से। चक्रपाणी जी, आखिर कोरोना का वैक्सीन इतने दिनों के बाद बना है, कोरोना की त्रासदी पूरी दुनिया ने झेली है, लेकिन अब इस वैक्सीन को लेकर भी विवाद है। नहीं, पिछले दिनों जिस प्रकार से कई हमने पेपर और उसमें पढ़ा कि जो अमेरिका के वैक्सीन बन रहे हैं उसमें गाय के खून का प्रयोग किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय में हमारी बहुत आस्था है और किसी भी गाय के हम खून का इस्तेमाल किया हुआ वो नहीं सकते, तो एक हमारी शंका है। इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ये ज्ञापन दिया है और हमने कहा कि संविधान की हमारी धारा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार है, धार्मिक मौलिक अधिकार है कि बिना किसी का धर्म नष्ट न किया जाए, क्योंकि 1857 की देखिए क्रांति मंगल पांडे ने इसी वजह से किया था कि उसमें जो कारतूस थे उसमें गाय के चर्बी मिलाए जाते थे, उसको नोचना पड़ता था, जिस पे मंगल पांडे जी ने क्रांति किया और धर्म से लेकिन समझौता नहीं किया, राष्ट्रीय समझौता नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग स्वतंत्र देश में बैठे हुए। तो आज ऐसा न हो कि क्योंकि हिंदू सनातन धर्मियों के खिलाफ एक साजिश हमेशा चली आ रही कि कैसे इनको नष्ट किया जाए, इनके धर्म को, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी किसी तरीके से माध्यम से, किसी इनके प्रकरण वो चाहते हैं कि कैसे हिंदुओं को किया जाए। पता चले कि हम कोरोना वो वैक्सीन या दवा खरीद के लाए, पैसा धन भी दे और धर्म भी खत्म कर दे, तो ये ठीक नहीं हो। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी कीमत पे गाय के खून का इस्तेमाल हुआ हम स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे। रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। टीम इंडिया पहली पारी में 131 रनों की बढ़त हासिल करने में कामयाब रही। इसके साथ ही तीसरे दिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट भी गिरा दी। समझो हो ही गया, समझो जीत ली जंग, समझो एडिलेड का बदला पूरा हुआ, समझो रहाणे ने कोहली की कमी को पूरा कर दिया। पहली पारी में कंगारुओं की हालत खराब थी तो वहीं दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी। यानी मेलबर्न में दोनों पारियों में मैदान रहाणे के रणबांकुरों ने मार लिया है। अब तो बस औपचारिकता ही बाकी है, अब तो मानो मैदान पर उतरना भर ही बाकी है। तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए 133 रन पर ही ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और भारत के खिलाफ उनकी लीड सिर्फ 2 रन की हुई है, क्योंकि पहली पारी के आधार पर ली गई लीड को अब तक ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पूरा ही कर पाई है। पिछले बल्लेबाजों ने अगर कुछ रन जोड़ भी लिए तो भी टीम इंडिया को बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला नहीं है।
विकेट तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग बॉलिंग किए थे बहुत ही अच्छी विकेट थी बॉलिंग के लिए, और विकेट अब जैसा विकेट है बहुत ही स्लो गया, तो बहुत ही इजी आ रहा बैट पे, ना कुछ स्विंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो हम लोग का ये एक ही प्लान है कि बस पेशेंस रखेंगे और एक जगह डालते रहेंगे, ज़्यादा ट्राई ना करें तो बेटर रहेंगे हमारे ऊपर, जल्द से जल्द ऑल आउट कर सके। तो जीत पक्की समझो, बदला पूरा समझो, और सीरीज में एक एक की बराबरी समझो। तीसरा दिन खत्म होने तक दोनों टीमों की ओर से कुल 11 विकेट गिरे और सिर्फ 182 रन ही बन सके। रिकॉर्ड तो ये भी कहता है कि भारतीय टीम एक सीरीज के लगातार दो टेस्ट कभी नहीं हारी है, जबकि उसने दोनों मैचों की पहली पारी में बढ़त बनाई हो। यानी यहां से भारतीय टीम का हारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन समझो। जो बल्लेबाजों ने किया उसे गेंदबाजों ने जारी रखा, नतीजा भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर बैठी है और जीत से बस कुछ कदम पीछे है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। रविवार देर शाम शिमला में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया और रुक रुक कर बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी रात से बर्फबारी जारी है, जहां मौसम ने करवट ली और पूरे इलाके को आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया। मसूरी में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल गए। पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए शिमला भी पहुंचे हुए हैं। मौसम की पहली बर्फबारी से उनके मन की मुराद मानो पूरी हो गई। केलोंग, कल्पा और मनाली समेत राज्य में कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक लाहौल स्पीति का केलोंग राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 11.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। सिर्फ मसूरी ही नहीं, जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के इलाके में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। माता के भवन में हुई बर्फबारी से मां के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के दर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो और जोश से भर गए। और अब चलते चलते आज का गीत। आज भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता फारूक शेख की 7वीं पुण्यतिथि है। 1970 और 80 के दशक में अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले फारूक 28 दिसंबर 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। साल 1981 में रेखा के साथ आई उनकी फिल्म उमराव जान के इस खूबसूरत गीत के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।